नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y20 वर्सेस Oppo A55 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y20 में 6.47 इंच जबकि Oppo A55 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 20 से कम है। विड्थ की बात करें तो Y20 में 3 इंच जबकि Oppo A55 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 20 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y20 में 192.3 ग्राम जबकि Oppo A55 में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y20 में 81.57% जबकि Oppo A55 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 20 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A55 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y20 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A55 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y20 में Adreno 610 जबकि Oppo A55 में Powerwa GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y20 में Qualcomm Snapdragon 460 और Oppo A55 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Oppo A55 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y20 में Android V10 क्यूब जबकि Oppo A55 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,494 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Oppo A55 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y20 में 4
फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें ओप्पो A55 की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में ओप्पो A55 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 20 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco C3 है, दूसरा Vivo V20 SE है, तीसरा Moto G10 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M02S है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।